दुनिया में ईमानदारी आज भी जिंदा है, इसे साबित कर दिखाया है गांव थरियाल निवासी सूबा सिंह ने। पेशे से किसान सूबा सिंह चंडीगढ़ में पढ़ाई करते अपने बच्चे को लेने सुजानपुर आए थे, जहां उन्हें एक बैग मिला। बैग में लाखों के गहने व नकदी थी, जिसे देख किसी का भी मन बेईमान हो उठता, लेकिन सूबा सिंह का जमीर नहीं डोला। उन्होंने बैग से मिले आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से बैग के मालिक का पता चलाया और बैग लौटा दिया। सुजानपुर की ब्याहता अपने मायके डोडा जम्मू कश्मीर जाने के लिए सुजानपुर से निकली थी। अब मायके परिवार में शादी थी, इसलिए गहने व नकदी अपने बैग में रख लिए, लेकिन बैग गलती से वहीं छूट गया। सौभाग्यवश बैग सूबा सिंह के हाथ लगा, जिन्होंने बैग वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की। नहीं, सूबा सिंह रानीपुर संधुआ, वो गलबात इस तरह जी, साडा मेरा मुड़ा चंडीगढ़ पढ़ता ही है, तो उतों आना ही इतने शामी बस लभी इन्हों जम्मू, चार बजे बैठा जम्मू जाना, बस जम्मू वाली ही उतरना, वो सांझे चले ही वैसे वो सवारी को ऑन करके इस करके जाना, वो पाँच नंबर उतर गया, तो मैं भी इन्हों चार नंबर से खड़ा ही लैन वास्ते खड़ा है। उन्होंने मैंने फोन करता, मैं पाँच नंबर आ जाए इतने, मैं खड़ा जिन्हें मैं उत्थे गया, मैं मोटरसाइकिल मोड़िया अगे गया, मैं ये बहन लगा कहता पापा जी एक बैग वै इतने किसी का, इन्हें किसी सब्जी वाले सामने मुड़े के और फ्रूट वाले मैं किया किसी का रह गया यार, वो कहना मैंने दे दे, मैं ना यार इन्हों दे कि अगर किसी को देवे ना दे, उन्होंने मैं देख लिया, मैं देख लिया यार कोई हो समान ना हो कुछ, तो कहते मैं देखा माड़ा जी के बच्चे शीशी बच्चे छोटी जुती, तो मैं चल रहा तो फिर तक घर जाकर देख लिया, कोई ड्रेस उस लभने जो कोई ड्रेस को मिले वह तो फिर उन्होंने समान दे देंगे। इतने फिर घर आकर देखा आधार कार्ड पैन कार्ड ए टी एम कार्ड और नकदी भी सोना भी सीगा। फिर अस उस वे उन्हें मुंडे ने फोटो पाई वो नैट बच्चे फोन च, तो एड्रैस मिले कुड़ी डोडे की है, ब्याही सी जाए पर महला सलाहियां से। फिर अस उस वे फोन किया महल मुंडा देवराज कामरेड, उन्होंने किया मैं फोन, मैं यार तेरे महल से यहोजे कोई है कोई पछाण, मैं फोटो है तेन सलाहरी महल क्यों ना है। फिर उन्होंने घर गए लभदे लभदे कोई दस ग्यारह बज गए रात। फिर उन्होंने माँ जी मुंडे की माँ कुड़ी की सस, उन्हें कहा भी साढ़ा मुंडा गया साढ़ा उन्होंने बैग रह गया कोई गल नहीं तुम सूँ दे दिया। मैं क्या नहीं जिन चेर तेरी वो कुड़ी या नूह ना आए उन्हें चेर अस समान नहीं देना किसी को, कि बताओ कि समान वह है वो तो उन्होंने दसो ना दसो कि पढ़ते बंद आपस वो आन के अपना समान पूरा करेगी देख लेगी मेरा समान रख। वो फिर वो ब्याह गए ब्याह, फिर उन्होंने पता लग गया भी साडा बैग सू मिल गया किसी बंद को रखा, वो अपने पंजे छह दिन बाद आए कल साढ़े को समान जरा लैके अपना पूरा करके काफ़ी चेर बैठ के गल बात भी करके अगर साढ़ा भी जरा उन्हें इतमान किया कोई गल नहीं सू यार समान साढ़ा मिल गया। समान सगा जी बैग बच्चे एक तो बच्चे के कपड़े उपड़े जुतियाँ तीन छोटे की, तो बाकी कीमती समान से सोना नकदी भी चैनी ही चूड़ियाँ ही और लॉकेट सी बैग चूड़ियाँ भी है नकदी भी नोट पाँच पाँच सौ हजार बच्चे ही सी। देखो जी अ कहने चलो सानू परमात्मा दिता जिन्ना कि अपने किरत कमाई का खाइए वाद हो सकता ना किसी को लेइए तो ना यहोजा कोई करना भी नहीं चाहिए इस तरह के जे लभ भी जाए किसी का तो वह घर पजाना चाहिए किसी समान नहीं कई बार यही अपने मन च सोचा भी चंगी अस अपने दस नहीं अपने किरत करिए जी चंकी अपने सफल कमाए खाना खाइए असं यहोजी कमाई कहूँ किसी के लिए जे किसी की मन दुख है बेचारा उन्हें तो पछताना है बेचारा मेरा पैसे रह गया मेरा गुआच गया असी वह तरस किया बेचारा वह मन की कहता है असी वो तरस तौर पर वे वेखे भाई जी तो गुआचा होना तो बेचारा चार या हफ्ता जब किस तरह नींद करनी है किस तरह गम करना जहाँ टेंशन लेनी किस तरह फिर असं समान पहुँचा दी।
Bunkers, Ward Number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 9540066113.